हरियाणा के करनाल जिले का गांव वजरहेड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का गांव बन गया है। यह प्रदेश का पहला डिजिटल युक्त, प्लास्टिक मुक्त तथा पूरी तरह से सोशल सिक्योरिटी वाला गांव बन गया है। इस गांव में छोटे से बड़ा हर लेन देन का काम डिजिटल मोड से होने लगा है। यही नहीं, इस गाँव में हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा की छतरी मिल चुकी है। यह सब संभव सा लगने वाला काम भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय करनाल के मार्गदर्शन में संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह नगर करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के 2200 की आबादी वाले अजरहेड़ी गांव को मॉडल बनाने का जिम्मा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक गगन कुमार के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर उठाया है। उनकी पहल पर इस गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया, सामाजिक सुरक्षा और प्लास्टिक मुक्त के सपने को साकार कर दिखाया है। यहाँ पर कोई साथी छूटे ना, सामाजिक सुरक्षा टूटे ना और अटल पेंशन आपके नाम, SBI करे यह काम का नारा घर घर गूंज रहा है। गांव के इस उपलब्धि पर आज गांव अजरहेड़ी में स्टेट बैंक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SBI के महाप्रबंधक सुभाष जोइनवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर महाप्रबंधक सुभाष जोइनवाल ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सरकार के किसानों की आय दुगनी करने के क्षेत्र में अनूठा काम कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक अब गांवों की तरफ जा रहा है, गांवों को डिजिटल करने और हर गांव के परिवार को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यकाल करनाल के अनूठी पहल है। यह पहल अपने आप में उल्लेखनीय है। क्षेत्रीय प्रबंधक गगन कुमार ने कहा कि वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट सबसे बढ़िया उपाय है। कैश के तौर पर नोटों के आदान प्रदान से बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। आज जब कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है तो डिजिटल पेमेंट से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अजरहेड़ी गांव के बाद और भी गांवों को इस तरह से डिजिटल युक्त, प्लास्टिक मुक्त, सामाजिक सुरक्षा युक्त बनाने की योजना है। इस अवसर पर बैंक द्वारा गाँव वालों को जूट के थैले वितरित किए गए। अजरहेड़ी गांव के सरपंच सुभाष ने बताया कि उनके गांव में 2000 की आबादी है। इस गांव की कायापलट करने में SBI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में अब कोई भी परिवार बिना इंश्योरेंस नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के युवाओं के साथ मिलकर बैंक के ऑफिसरों ने लोगों के घरों पर, दुकानों पर जाकर उनके सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट और प्लास्टिक का त्याग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हाँ जी सर, हमारे SBI हरजेड़ी गांव में हमारी ये टीम आई है जिसने हमारा पूरा गांव डिजिटल किया हुआ है। इसमें जो हमारे पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो सबको है ना, एक तो ये बार कोड है इनको हमारे पूरे दुकानों के पास भी है, तो जिसके जरिए हम है ना पेमेंट ले रहे हैं। और एक हमारे पास ये ऐप भीम ऐप है जिसके जरिए भी हम है ना कस्टमर से पैसे ऑनलाइन लेते हैं और हम पैसे भी ट्रांसफ़र वगैरह बैंक में करते हैं यहाँ से। और उनसे है ना ज़्यादातर हम है ना जो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं सर। तो आपके हमारे गांव में तकरीबन सभी युवा है, पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को एक योनो ऐप जो हमारी सरकार ने चलाई हुई है SBI वाले बैंक वालों ने, उसका हमारे गांव के नवयुवक है उसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाता है तो उसको कैसे, उसका कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आप? सर यदि अनपढ़ व्यक्ति आ जाता है उनसे हम बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड ले आइए और हम उससे है ना ये हमारी एक SBI की ऐप है जो इसके जरिए हम है ना अंगूठा वगैरह लगवा के उनसे पेमेंट ले लेते हैं सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, बिल्कुल इजी सा है। तो लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं जी? लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके इससे हमें है ना बहुत बेनिफिट होगा, फ्रॉड वगैरह होने से बचता है। हाँ जी बिल्कुल सर, इससे कोई फ्रॉड नहीं है, नंबर एक का काम है सर, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है। क्या नाम आपका? सुखविंदर सिंह। करने में गांव को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे आपने किया, संभव कैसे कर दिया? मैं तो दोस्तों मैं जरूर कहूँगा अजरहेड़ी गांव के लिए भी और पूरे देश के लिए कि कोई साथी छूटे नहीं, सामाजिक सुरक्षा टूटे नहीं, अटल पेंशन आपके नाम, SBI करे काम, हर व्यक्ति को हमें जोड़ना है इससे, इस मुहिम में को क्रांति के तौर पर लेना है। आज अजरहेड़ी गाँव जो है सो डिजिटल युक्त हो गया है, सभी लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल यूज कर रहे हैं और प्लास्टिक मुक्त हो गया है, फर्स्ट यूज प्लास्टिक जो है सो लोगों ने और इतने इंतजाम के साथ आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तौर पे इसके जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना है, इन सब योजनाओं को पूरा लाभ उठा करके 100% सिचुएशन किए हैं सभी गाँव को। तो इसके लिए मैं गाँववासियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उसके साथ जो है सो अपना अजरहेड़ी गांव जो है सो प्रथम गांव हरियाणा का बन करके एक फ्लैग होस्टर के तौर पे
अग्रणी रहेगा, ये हमेशा इतिहास में इनको नाम लिए जाएंगे। इसके बाद एक मुहिम हो जाएगा और ये हरियाणा के अधिकतर गांव जो है सो इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको इस मॉडल को हम लोग आगे चलाएंगे। धन्यवाद आपको। ठीक है, यहाँ में सामान लेने के आते हैं, यहाँ पर ही हम सामान लेना देने का सामान करते हैं। कैसे लिया आपने सामान यहाँ? हमने यहाँ इसे मैंने पेमेंट साथ नहीं की है, मैंने इसके ऑनलाइन से पेमेंट करवाई है मैंने इससे, जो भी सामान लिया और आगे जो हम सामान लेंगे ऑनलाइन से लेते रहेंगे। आपको कोई दिक्कत लगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर पैसे वगैरह लेंगे वो भी ऑनलाइन से लेते। इससे क्या फायदा है आपको? जैसे पहले कैश देते थे हमको, बहुत फायदा, इतना फायदा है जी कि हमने बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब काम हमारे यहाँ हो जाता है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया जी, जब मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर, साथ में पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, कहीं से मोबाइल से पैसे नहीं ले सकते, किसी के खाते में ट्रांसफर करने होंगे तो कर लेते हैं, कैश निकलवाने की जरूरत नहीं है ना फिर उसमें कटने का डर है। तो कितना फायदा महसूस कर रहे हैं आप इसको? बहुत ही फायदा। जैसे कोई बीमा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा बीमा, सुरक्षा बीमा बहुत अच्छी योजना है जी। सुरक्षा बीमा योजना से हमारे कोई लाभ मिलेगा इससे जी, बहुत ज़्यादा, और हमारी जो पेमेंट वहाँ पे जमा होगी उसका और भी हमें अधिक लाभ मिलेगा, उसी का ही हमारे को ब्याज भी मिलेगा उसको। जैसे पहले प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया जाता था, थैले वगैरह ज़्यादा, पॉलीथीन होता था, अब ये बिल्कुल ही नहीं, अब नहीं है जी यहाँ पे, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। नाम सुभाष चंद है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत आरजेडी ब्लॉक नीलोखेड़ी से हूँ। SBI की तरफ से मेरे गांव को डिजिटल किया जा रहा है, इसमें सबसे पहले तो सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना चलाई थी जो पूरे गांव से पूर्ण रूप से है, उसके बाद प्लास्टिक मुक्त सबसे पहले पूरे हरियाणा में मेरे गांव को किया जा रहा है और पूरा हो चुका है। नहीं, सबसे पहले तो मैं अजयगढ़ी गांव है इसके सभी निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उनका गाँव जो है पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है, तो ये बड़ी प्रसन्नता है कहते हुए कि हरियाणा का ये पहला गांव है जो कि पूर्ण तरह जो है डिजिटल हुआ है। इसके उपलक्ष में मैं जो यहाँ के सरपंच है सुभाष जी, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ जितने भी ग्रामवासी हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे जिस तरीके से मेरे को अभी बताया गया है कि हमारी ब्रांच ने और यहाँ के लोगों ने मिलकर एकजुट होकर एक बीड़ा उठाया है कि हम इस गांव को डिजिटल बनाएंगे, जो कि इन्होंने अपने प्रयास बिल्कुल सफल किया है। जैसे 8 RBOs हैं, हर 8 RBOs का एक एक गांव हम लोग सेलेक्ट किए हैं और उसको हम डिजिटलाइज करेंगे, तो मार्च से पहले हम लोग 8 विलेज जो है ना वो हमने एक सेल्फ टारगेट लिया है कि उसको हम लोग डिजिटलाइज करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.